नमस्कार, घटना चक्र में आपका स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। हर रोज की तरह कुछ खास मुद्दे, कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सबसे पहले देखते हैं आज किस मुद्दे पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। पांच राज्यों के चुनाव परिणाम के बाद अमित शाह का बयान, पंचायत से पार्लियामेंट तक होगा बीजेपी का दबदबा। बड़ा सवाल, क्या वाकई दौड़ेगा भाजपा का अश्वमेध का घोड़ा? तो आज के एजेंडे में हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी को लेकर के। जी, अमित शाह की तरफ से कहा यह गया कि पंचायत से लेकर के संसद तक अगले कई दशकों तक भारतीय जनता पार्टी का दबदबा बना रहेगा। तो जो दावा किया जा रहा है, 2014 के बाद जिस तरह राज दर राज जो सफलता मिली है, अगर दिल्ली और बिहार को छोड़ दें तो लगातार जो है जो सफलता मिल रही है, क्या वाकई में उस सफलता को 2019 तक जो है ये सफलता बनी रहेगी? और अगर ये सफलता नहीं रुकती है कहीं पर, ये जो घोड़ा है अश्वमेध का, तो कौन रोक सकता है? कौन कौन से वो फैक्टर हो सकते हैं? इन तमाम पहलुओं पे हम चर्चा करते हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ नीरा शास्त्री जी मौजूद हैं, नेता भारतीय जनता पार्टी की। हरकेश जी हमारे साथ मौजूद हैं, हरकेश बहादुर जी, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। पुष्पेन कुलशेष जी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार। हमारे साथ मौजूद हैं अवधेश जी, वरिष्ठ पत्रकार के रूप में। साथ हमारे साथ मौजूद हैं शकीलुज्जमान अंसारी साहब, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। और दिलीप के सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार और ग्रुप एडिटर जैन टीवी के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दिलीप जी, आपने जो बयान आया अमित शाह का वो सुना, वो देखा आपने, क्या मायने इसके निकाले जाए? आत्मविश्वास है, उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में पार्लियामेंट से लेके संसद तक उनका दबदबा रहेगा, क्योंकि जो पीछे उन्होंने 2014 के बाद जितने इलेक्शन हुए हैं, 7 इलेक्शन, उनमें से 2 इलेक्शन उनकी हार हुई है, लेकिन वहां पे उन्होंने कहा कि दोनों इलेक्शन में दिल्ली में उन्होंने कहा कि आप देखिए उनका वोट फीसद जो था लगभग सेम रहा था, और बिहार में उन्होंने अपने वोट संख्या जो है उसमें बढ़ोतरी की, तो कुल मिला के सेटिस्फाइड थे। और कह रहे हैं कि चूंकि जो काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री, जिस तरह की नीति प्रधानमंत्री का है, उन्होंने कई कुछ खास करके उन्होंने कहा, देखिए मुद्रा जो नीति है उसमें लोगों को, कितने लोगों को रोजगार मिलने जा रहा है, और फिर उन्होंने किसान और जो कई सारे जो काम सोशल सेक्टर में किए जा रहे हैं, बोला इस कारण से ग्रामीण इलाके में भी और अन्य इलाके में भी वो उन बातों को जो हम लेके लोगों तक जाएंगे तो हमें लगता है कि लोग के लिए हम काम कर रहे हैं तो हमारी स्वीकार्यता बढ़ेगी। इसके अलावा भी कई बातें उन्होंने कही है, तो मुझे लगता है कि उन्होंने 5 राज्यों के चुनाव परिणाम के बाद उनका ये इंटरव्यू था और उसपे उन्होंने अपने बयान में, अपने इंटरव्यू में एक सवाल के जवाब में ये बातें उन्होंने कही है। अब ये जो बातें हैं, तथ्य कितना उनके साथ है, ये तो तमाम राजनीतिक बीजेपी के नेता भी हैं और राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, यहाँ पे पत्रकार भी हैं, वो भी आपको बताएंगे। चलिए अवधेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, अभी जो दावा किया गया अमित शाह की तरफ से और जो सफलता उनको 2014 से अब तक मिली है, उसमें एक बड़ा फैक्टर कांग्रेस का रहा। जहां जहां कांग्रेस रही वहां वहां भारतीय जनता पार्टी को अच्छी जीत मिली। कई राज्यों में वो पहली बार सरकार बनाने में कामयाब हुए, ताजा उदाहरण जो है असम का है। लेकिन अब धीरे धीरे ज्यादातर राज्यों से कांग्रेस खत्म हो रही है। सवाल ये कि क्या जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो बीजेपी के लिए एक बड़ा खतरा बन सकती हैं? वो हमने दिल्ली में देखा, वो हमने बिहार में देखा, बाकी राज्यों में जहां पे बीजेपी गई है, जहां पर कांग्रेस उतनी बड़ी भूमिका में नहीं थी, वहां उन्हें उस तरह की सफलता भी नहीं मिली है। पश्चिम बंगाल में जैसे हमने देखा कि लोकसभा के मुकाबले उनका वोट शेयर भी घटा है, कैसे जो सपना है वो कैसे पूरा होगा? देखिए पहली बात ये, तो ये एक बात समझनी चाहिए कि भारत जैसे बड़े देश में किसी एक राज्य में विजय से, एक राज्य में पराजय से किसी पार्टी के राष्ट्रीय भविष्य का निर्धारण नहीं हो सकता है। और हम एक राज्य जीत जाएं, एक राज्य हार जाएं, उससे राष्ट्रीय पार्टी का, विशेषकर उसके राष्ट्रीय भविष्य का निर्धारण नहीं हो सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की एक खूबी है, खासियत है, कि वो उसकी एक खासियत यह है कि छोटी से छोटी सफलता को भी इतने बढ़िया ढंग से, वो उत्सव धर्मिता उनके अंदर है, वो उत्सव की तरह, आयोजन की तरह ऐसे मनाते हैं कि उनके कार्यकर्ताओं का आत्मविश्वास खड़ा हो जाता है और बढ़ जाता है। जैसे इसी आप चुनाव में देख लीजिए, अगर ओवरऑल देखिए तो केवल भारतीय जनता पार्टी को 63 सीटें मिली है, अगर देखा जाए तो उसके बनिस्पत कांग्रेस को 115 सीट है। इनको भी एक राज्य मिला है, कांग्रेस को भी एक छोटा राज्य मिला है पुडुचेरी, लेकिन कांग्रेस में निराशा है और भारतीय जनता पार्टी उत्सव मना रही है।
तो वो पार्टी की एक खासियत है, उसके आधार पर वो बयान देते हैं और इस खासियत से वो विजय भी प्राप्त करते हैं और परिणाम भी प्राप्त करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये जो खासियत है वो केवल हवा में देखने के लिए है। लेकिन उसके पीछे कारण ये भी था कि कांग्रेस के हाथ से दो राज्य निकल गए, निराश होने की वजह। हाँ नहीं नहीं, वो ठीक है, मैं कह रहा हूं कांग्रेस के हाथ से दो राज्य निकल गए वो बात तो ठीक है, लेकिन आपके हाथ में एक राज्य आया उसमें भी आपका अपना बहुमत नहीं है। माने असम में भी देखिए तो भारतीय जनता पार्टी को अगर कम से कम 64 सीटें आती तो मैं मानता कि उसको बहुमत मिल गया। वो भी सरकार साथी दलों पर निर्भर है और साथी दल कभी भी अगर विद्रोह करेंगे तो वहां अस्थिरता कायम हो सकती है पूर्वोत्तर में। तो भारतीय जनता पार्टी की इस नाते तो बड़ी सफलता है ही है कि पूर्वोत्तर में पहली बार चुनाव लड़ते हुए उसने किसी राज्य में सरकार बनाई है, चाहे वो गठबंधन की हो। इसके बाद पूर्वोत्तर असम का प्रभाव दूसरे राज्यों पर पड़ेगा और बाकी जो चुनाव होने वाले हो सकता है उसमें भी विस्तार हो जाए। तो और पूर्वोत्तर के क्षेत्र में देख लीजिए तो नागालैंड में भारतीय जनता राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार है, अरुणाचल में भी राष्ट्रीय गठबंधन की सरकार है, अब असम में भी हो गया। तो चूंकि पूर्वोत्तर कांग्रेस का गढ़ रहा है उसमें से कांग्रेस उखर रही है और भारतीय जनता पार्टी जम रही है, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए प्लस पॉइंट है। जो काम आपका बात आ रहे हैं क्षेत्रीय पार्टियां, अमित शाह का एक बयान है कल का ही, वो बयान यह है कि हम अगला चुनाव भी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के तहत लड़ेंगे और जो भी पार्टियां हमारे साथ आना चाहेंगी उनका हम स्वागत करेंगे। यानी क्षेत्रीय पार्टियों के लिए उन्होंने और भी दरवाजे खोले हैं, ये उनको भी पता है कि क्षेत्रीय पार्टियां हमारे लिए कितनी समस्याएं पैदा कर सकती हैं, तो उनके दरवाजे उन्होंने खोलने की कोशिश की है। तो मेरा अपना मानना है कि भारत की जो विखंडित राजनीति खास करके 1988-89 से जो भारत में दौर शुरू हुआ, उस विखंडित राजनीति में कोई भी पार्टी अगर बहुमत केंद्र में पा लेती है उसके लिए उतनी बहुत बड़ी बात है। उसका मूल्यांकन इस आधार पर हम नहीं कर सकते हैं कि क्षेत्रीय पार्टियों का इतना है, कांग्रेस का इतना है और बीजेपी का इतना है। क्षेत्रीय पार्टियों के वर्चस्व की राजनीति हमारे देश में करीब 25 वर्षों से 26 वर्षों से ढाई दशकों की ये एक प्रवृत्ति है क्षेत्रीय पार्टियों का वर्चस्व, और वो आसानी से टूटने वाला नहीं है। उसको तोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी की रीति है कि पहले कांग्रेस को तोड़ो, उसके बाद अपने को कंसोलिडेट करो, फिर क्षेत्रीय पार्टियों से एक एक करके मुकाबला करो। तो मेरा ख्याल है कि अगले चुनाव तक तो वो कांग्रेस को खत्म करने की कोशिश में लगे हैं और मेरा अपना मानना है कि कांग्रेस जिस ढंग से काम कर रही है वो अपने आप खत्म करने की दिशा में बढ़ रही है, खत्म होने की दिशा में। तो और 2019 का घोड़ा रुकता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। नहीं नहीं, 2019 आते आते कांग्रेस और जगह भी खत्म होने वाली है, उसकी निराशा उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में बढ़ने वाली है, उसकी निराशा मणिपुर में बढ़ने वाली है, उसकी निराशा गोवा में बढ़ने वाली है, उसकी निराशा गुजरात में बढ़ने वाली है, उसकी निराशा आपको मणिपुर में बढ़ने वाली है, उसकी निराशा पंजाब में भी बढ़ने वाली है, उसकी निराशा हिमाचल प्रदेश में भी बढ़ने वाली है। तो इसलिए कांग्रेस तो जा ही रही है, तो भारतीय जनता पार्टी शायद अगले दौर में जो भारत में एक क्षेत्रवाद का, उसको राष्ट्रवाद के आधार पर क्षेत्रवाद को कम करने की कोशिश कर सकती है। ठीक, आप पुष्पेन जी आप कैसे देख रहे हैं और क्या आपको लग रहा है 2017 में जो चुनाव होने हैं और बड़े राज्य हैं ये गुजरात, उत्तर प्रदेश, पंजाब, ये जो राज्य हैं, क्या इससे दिशा तय होगी कि 2019 में क्या होने जा रहा है? और जो क्षेत्रीय दल अगर एकजुट होते हुए कहीं दिखाई देते हैं और कोई इस तरह का गठबंधन बनता हुआ दिखाई देता है तो वो कितनी बड़ी मुश्किल बीजेपी के लिए होगी? देखिए, क्षेत्रीय दलों से गठबंधन भारतीय जनता पार्टी अगर किसी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने जाए थोड़ी देर के लिए मान रहे, तो वहां दो बड़े क्षेत्रीय दल हैं, तो उनसे तो गठबंधन होगा नहीं। सवाल यह है कि जो स्थिति जम्मू कश्मीर में है वो उत्तर प्रदेश में नहीं है। और दूसरी बात, ये जो आपने कहा, जो अमित शाह जी कह रहे हैं कि पंचायत से लेके पार्लियामेंट तक दशकों तक उनकी सरकार रहेगी, तो मुझे लगता है कि 2017 में दो राज्य ऐसे हैं जिसमें एक पंजाब और एक गोवा, गोवा में भारतीय जनता पार्टी की इकलौती सरकार है और पंजाब में वो अपने साथी के साथ बनाए हुए हैं। अभी तक नरेंद्र मोदी जी के लोकसभा चुनाव जीतने के बाद से किसी ऐसे राज्य में चुनाव नहीं हुआ है जिसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो और उसके बाद वो गढ़ उन्होंने अपना बचाया हो। सारे ही ऐसी ऐसी जगह पे चुनाव हुए हैं जहां विपक्षी दलों की सरकार थी, चाहे कांग्रेस हो, चाहे लालू की सरकार हो, या सॉरी नीतीश की सरकार हो, या वहां पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार हो। सबसे बड़ा टेस्ट ये होगा कि जो सरकारें चल रही हैं आपकी अभी,
उन सरकारों को आप बचा पाते हैं नहीं बचा पाते हैं, तब तो यह समझ में आएगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जितने गढ़ जीते थे, क्योंकि एक बार तो आप जीत सकते हैं, दो बार आप जीत सकते हैं, लेकिन अगर आप ये कहें कि हमने जो गढ़ बनाए हैं, खासतौर से गोवा में आपकी सरकार है, पंजाब में आपकी सरकार है, गुजरात में आपकी सरकार है एक्सक्लूसिव, अगर गुजरात भारतीय जनता पार्टी बचाती है, अगर गोवा बचाती है, तब तो ये लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग कह रहे हैं कि उनकी विचारधारा को लोगों ने अपना लिया है और वो लगातार जो है इस विचारधारा को मजबूत कर रहे हैं। तो इस विचारधारा का टेस्ट तो दो होना है, केंद्र के लेवल पे 2019 में होना है और राज्यों के स्तर पे बीच बीच में हो रहा है। तो अभी जो पांच राज्यों के चुनाव थे, मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि इन पांच राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के लिए खोने के लिए कुछ था ही नहीं। तो जो कांग्रेस पार्टी थी, क्योंकि वो राष्ट्रीय पार्टी है, उनके पास खोने के लिए बहुत कुछ था। तो जो भी उसके बाद भी जो आप जो आर्गुमेंट अवधेश जी का है कि ठीक है, ये अपनी जगह है कि राज्य का जीतना अपनी एक वैल्यू होती है कि आपकी वहां सरकार बन गई, आपने कितने परसेंटेज वोट जीता उसको सिर्फ आंकड़ों भर तक के लिए रहता है, लेकिन उससे आपकी स्थिति पर फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिस तरीके से देखें कि इस सब के बावजूद भी कांग्रेस ज्यादा जीती है और कांग्रेस ने बंगाल में मुख्य विपक्षी दल का दर्जा प्राप्त कर लिया है और आप वहां 6 सीटें लाए हैं, वो भी 3 आपकी है, 3 उसके बाद की है। तो ये बात ठीक है कि एक एक, एक राज जीतने के बाद आप कह सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से दिल्ली के अंदर एक तीसरा विकल्प था तो आप 3 सीटों पे आ गए, बिहार में 2 विकल्प थे तो आप 56-53 पे आ गए। तो ये भी ध्यान रखना होगा कि क्षेत्रीय दलों के साथ जहां कांग्रेस का कन्फ्रंट्रेशन है वहां तो समझ में आता है, लेकिन जहां कांग्रेस से डायरेक्ट कन्फ्रंट्रेशन नहीं है वहां बीजेपी के लिए दिक्कत होगी। चलिए एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक ले रहे हैं इसी बात पे, तुरंत लौट रहे हैं, एक और खास मेहमान जुड़ेंगे, बन रही है हमारे साथ। घटना चक्र में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हम बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की, क्या कुछ स्थितियां होंगी और जो एक तरीके से 2014 के बाद एक जो जीत हासिल हो रही है वो वाकई में जो कह रहे हैं अमित शाह, पंचायत से लेकर संसद तक अगले दशकों तक, कई दशकों तक जो है उनकी सरकार जो है रहेगी और उनकी पार्टी जीतेगी, कितना दम है इस बात पे। एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे साथ अब कांग्रेस से आनंद रावत जी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शकील साहब, आपसे मेरा सवाल ये है कि क्या क्या आपको लगता है कौन से ऐसे फैक्टर होंगे जो ये अश्वमेध का घोड़ा जो है जो दौड़ रहा है, कौन रोक पाएगा, कुछ कौन सी शक्तियां ऐसी हैं? देखिए, समय सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो अच्छे अच्छे घोड़ों को रोक देता है। जी, तो आपको इंतजार करना पड़ेगा वक्त का। अब वक्त कितना, 10 साल 5 साल 20 साल? आप जरा एक बात देखिए कि अभी असम में जीत हुई है, नेचुरल है कि उनका मनोबल बढ़ा है। अभी अवधेश जी ने कहा कि उनके एक स्ट्रेटजी है कि अपने वर्कर को ज्यादा उत्साहित करके अपना फायदा उठाना चाहते हैं, तो ठीक है। अब चूंकि 2 स्टेट कांग्रेस ने लूज किया, जबकि एक केरल का तो ट्रेडिशन है, लेकिन अब ट्रेडिशन की भी बात नहीं करेंगे, चूंकि बड़ा ट्रेडिशन तमिलनाडु का भी था, वो ब्रेक कर गया। बहरहाल एक पुडुचेरी में सरकारें बनी, लेकिन सवाल है कि कांग्रेस अभी नीचे जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक जमाना है, बराबर ऐसा रिपीट होता रहता है पॉलिटिकल पार्टियों के जीवन में कि वो घटती भी है और फिर किसी एक घटनाक्रम में उभर के ऊपर आ जाती है, पता भी नहीं चलता है। इसलिए अभी निश्चित रूप से बीजेपी को खुश होने का टाइम है और होना चाहिए, लेकिन सवाल है कि जनता के अंदर जो डिलीवरी जिस बातों के लिए सरकार में आए थे जी, वो तो पूरी तरह से हो नहीं रही है, अनरेस्ट है। लेकिन अल्टरनेटिव कई लोग कहते हैं कि बहुत परफेक्ट नहीं है अभी, तो ठीक है, अल्टरनेटिव परफेक्ट अगर बन गया, कोई गठबंधन नए बन गए, कुछ ऐसा बीजेपी के सामने चैलेंज आ जाएगा। आपको ऐसी परिस्थिति दिखाई दे रही है जैसी परिस्थिति कांग्रेस के साथ रही कि लगातार उनकी सरकारें रहीं, जब तक इमरजेंसी की सिचुएशन नहीं आई तब वो सरकार गई, उसके बाद हमने देखा काफी समय तक सरकार रही कांग्रेस की, तो क्या बीजेपी भी क्या उसी क्षेत्र में जा रही है जहां लंबे समय तक बीजेपी के सामने कोई मुकाबला करने वाला नहीं होगा? यूपीए 1 जब बनी थी, आप याद कीजिए, उससे पहले राज बहुत कम था कांग्रेस के पास,
लेकिन यूपीए वन बनने के बाद लगातार सरकारें बनती चली गईं, काफ़ी सरकारें कांग्रेस की 18-19 स्टेट में हो गई थी, अब डिटोरिएशन हो रहा है। लेकिन ये सब चलता है पॉलिटिक्स में, इसको कोई आदमी समझ लेता है कि यही फैक्ट है कि आज वो जीत गए तो कितनी दिनों के बाद बीजेपी सत्ता में आई, ये भी देखना चाहिए। इसलिए ये पॉलिटिक्स का पार्ट है, जीत और हार। हरगेश जी, कौन रोक सकता है, आपको क्या लगता है कौन से वो फैक्टर हैं, कौन रोकेगा इस घोड़े को, क्योंकि जो सबसे बड़ी पार्टी थी वो लगातार कमजोर होती दिखाई दे रही है। देखिए, एक बात तो बहुत साफ है कि जो नेशनल पार्टी है मुख्य रूप से कांग्रेस और बीजेपी ही है, उसमें कांग्रेस की जो स्थिति है आप देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने कुछ सफलताएं हासिल की हैं जिसके आधार पर वो इस तरह की बातें कह रहे हैं कि पंचायत से लेके और पार्लियामेंट तक हमारा वर्चस्व रहेगा आगे भी, तो किसी चीज़ की कोई परमानेंसी नहीं होती है। मुख्य रूप से डिपेंड करेगा कि आप जो काम करेंगे उस परफॉर्मेंस को ही जनता इवेल्युएट करती है। कांग्रेस की जो एक्टिविटीज़ थी या कांग्रेस की जो परफॉर्मेंस थी या जो घटनाएँ घटी, उन सब चीज़ों का ही असर है कि कांग्रेस पार्टी लोकसभा में बहुत बुरी तरह से परास्त हो गई। कोई नहीं उम्मीद करता था कि उसे 44 सीट मिलेगी, लेकिन कोई तस्वीर राजनीति में वो भी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में परमानेंट हो नहीं सकती, होती है नहीं, क्योंकि कुल मिलाकर के जनता सबके कार्यों का मूल्यांकन करती रहती है। और आज भी दोनों राष्ट्रीय पार्टियाँ अगर मिल के भी आप देखें तो उतना बड़ा एक तरह से वर्चस्व नहीं रख पा रही हैं, जो सारी क्षेत्रीय पार्टियों का इकट्ठा करके अगर आप देखेंगे तो दिखाई देगा। इसलिए मुख्य रूप से क्षेत्रीय पार्टियां बहुत सारे सूबों में एक तरह से चैलेंज बनी हुई हैं सभी राष्ट्रीय पार्टियों के लिए, और इसमें उस बात को देखना पड़ेगा, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टियां जो हैं कुछ ऐसे मुद्दों को नहीं टच करती हैं जिन मुद्दों को क्षेत्रीय पार्टियां आसानी से टच कर लेती हैं और खुलेआम करती हैं। जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए जातिवाद का ही सवाल उठाइए, तो राष्ट्रीय पार्टियां भले उसके हिसाब से अपना काम करें लेकिन वो चाहती नहीं है कि वो दिखाई दें उसे करती हुई, जबकि क्षेत्रीय पार्टियां इस काम को खुल करके करती हैं और वो दिखाई भी देती हैं, उनको उसकी परवाह भी नहीं होती है। तो वैसे कई चीजें हैं जो क्षेत्रीय पार्टियों को ताकत देते हैं, राष्ट्रीय पार्टियों की ताकत उससे घटती है, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं देश के जो राष्ट्रीय पार्टियों के ही सोच के हिसाब से हो सकते हैं। ठीक, चलिए, मैं आता हूं आपके पास, बेचारा हूं कि एक एक टिप्पणी सबसे ले ली जाए। नीरा जी, आपसे मैं जानना ये चाहूंगा, एक असम में आपको सीटें मिली हैं, अच्छी सीटें मिली है, लेकिन वहां भी अकेले दम पर पूर्ण बहुमत में आप नहीं हैं, और उसके बाद ये जो बयान आ रहे हैं या इंटरव्यू में बातें की जा रही हैं, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है कि इतनी पुरानी इतनी बड़ी पार्टी जिस तरीके से सिमट गई है और पूर्वोत्तर में जो विजय प्राप्त हुई है उनके गढ़ में जाकर के, किसी के गढ़ में जाकर के आप जीत करके आते हैं, तो वो एक प्रकार का जो वहाँ पूर्वोत्तर में विस्तार मिला है इसका प्रभाव पूरे देश भर में। पर मेरा मानना ये है कि चाहे रीजनल पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, अंतोगत्वा अगर हम एजुकेट करते हैं, जो डिजिटल इंडिया का प्रोग्राम चल रहा है और जन जानकारी पहुँच रही है, चाहे वो मुद्रा की हो, स्टैंडअप की हो, स्टार्टअप की हो, और लाभ मिल रहा है। लेकिन आप गाड़ी में जा रहे हैं, डिब्बा साफ है, एयरपोर्ट साफ है, बनारस के घाट पे जा रहे हैं, घाट साफ है, एक आदमी मेरे पास आता है और कहता है नौकरी दिलवाओ, नौकरी दिलवाइए मैडम, आप नौकरी दिलवाइए। मैं कह नौकरी कहाँ से दिलवाएं, तुम क्या करते हो? बोले मैं कारीगर हूँ। तो अपना काम करो, अपना काम करने के लिए पैसा चाहिए। तो बोले कितना चाहिए? 20,000। मैंने कहा ऊपर जाकर बैंक में लो। 3 दिन के अंदर पैसा मिला। 10 दिन बाद मैंने फ़ोन किया, हाँ जी मिल गया। अभी परसों मैंने फ़ोन किया, बोला वो 20,000 चुका दिया, 30,000 और लेकर आया हूँ। ऐसे लाखों लाखों केसेस, करोड़ों केसेस हुए हैं। ये करोड़ों लोग जिनको पैरों पे खड़ा कर दिया, आखिर वो रीजनल पार्टी और कांग्रेस पार्टी और पार्टी नहीं देखेंगे, वो देखेंगे कि किसने, किस सरकार ने मुझे खड़ा किया, किस सरकार ने मुझे हार्ट की, डायबिटीज़ की सस्ती दवाई दी। वो ये देखेंगे कि जब मैं, मेरा देश विदेशों में कैसी पहचान बना रहा है, लेकिन क्या इज्जत बढ़ रही है हमारी, के बावजूद आज जनता के अंदर जागृति पैदा हुई है, चाहे वो स्वच्छता की हो, चाहे वो आपके बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की हो। आज आप बेटियों की हत्या हो रही थी, कोई नहीं, आज ट्रेन से लातूर में पानी पहुंचता, पहले ट्रेन नहीं थी कि लातूर में पानी पहुंच जाता, लातूर में वो स्थिति पहले नहीं थी, तो ये। और फिर
उस पे जब अच्छा काम हो रहा हो उस पे कन्हैया, उस पे केजरीवाल, तो ये सब चीजें पूरा देश देख रहा है, विदेशों में देखी जा रही है। आज जो है ये पार्टियों वाली राजनीति से उठ करके डेवलपमेंट की राजनीति और डायनेस्टी से हट करके जी, मैं आता हूँ आपके पास दूसरे राउंड में आता हूँ आपके पास। आनंद जी, आपसे सवाल यही है कि अब तक कांग्रेस मुक्त भारत की बात हो रही थी, अब भाजपा युक्त भारत, पंचायत से लेकर संसद तक ये कहा जा रहा है, क्या कहेंगे, क्या टिप्पणी आपकी होगी? जैसी स्थिति आप की है इस समय पार्टी की, लग नहीं रहा है कि इस बयान को आप झुठला पाएंगे। जी विपुल जी, भारत में विकास युक्त भारत की जरूरत है। यहाँ पर ये अलग विषय है कि वो भाजपा करे या कांग्रेस करे, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी विकास युक्त के कॉन्सेप्ट के बजाय भाजपा युक्त का कॉन्सेप्ट भारत में अगर वो करना चाहती है तो ये कॉन्सेप्ट उन्हीं को मुबारक, लेकिन जनता इसको स्वीकार करेगी मुझे संदेह है इस बात पे। जहां तक हमारी बहन विदुषी महिला हैं, लेकिन अभी तक के जो हाल फिलहाल 2014 से लेकर अब तक जो नतीजे आए हैं इससे तो यही लग रहा है कि जनता स्वीकार कर रही है इस बात। मैं वही बात कर रहा हूँ ना, क्योंकि नीरा जी ने दो तीन बातें कही कि एक तो पूर्वोत्तर राज्य आसाम में जो कांग्रेस का गढ़ था तो वहां पर भाजपा की सरकार बनी, और हम भी जनादेश को स्वीकार करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथियों को भी जनादेश स्वीकार करना चाहिए कि गुजरात जो भारतीय जनता पार्टी का विगत कई वर्षों से गढ़ रहा है वहां पर पंचायतों में और नगर निकाय में कांग्रेस जीती है, और अभी एक विधानसभा उपचुनाव जो हुआ उसमें भी कांग्रेस जीती है। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के साथियों को ये नहीं भूलना चाहिए कि उत्तर प्रदेश जहां पर वो 73 सीटें लोकसभा के चुनाव की जीते हों, वहां पर मुरादाबाद और चंदौसी लोकसभा क्षेत्र में दो विधानसभा उपचुनाव हुए और दोनों में ही भाजपा हार गई, और तो छोड़िए झारखंड में जहां पर इनकी सरकार है वहां पर ये कांग्रेस से एक सीट हार जाते हैं, तो उन मुद्दों पे भी तो बात होनी चाहिए। और अगर हम वृहद पिक्चर पे बात करें तो भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और केंद्र में इनकी सरकार है, और जो चार महानगर देश में कहे जाते हैं उस दो महानगरों में चुनाव था, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु, और दोनों में ही ये कांग्रेस से कम सीटों पर हैं। कहीं पर एक सीट है तो कहीं पर तीन सीट है, और तमिलनाडु में तो शून्य है। तो वास्तविकता भी इनको भी देखनी चाहिए, ठीक है। अमित शाह जी जिनको राजनीतिक हलकों में बयान बहादुर कहा जाता है, जो केवल बयान देने तक ही सीमित रहते हैं, अगर वो इस मुगालते में हैं कि उन्होंने असम सीट जीत लिया है तो पूरा अश्वमेघ का घोड़ा वो पूरे भारतवर्ष में चलाएंगे और उनको सफलता मिलेगी, तो इस मुगालते में रहें। एक सवाल मेरा है सर, असम के जो डायनेमिक्स थे, असम के जो राजनीतिक कारण थे, वो हम सब जानते हैं कि 15 सालों का एंटी इनकम्बेंसी हमारे खिलाफ था, लेकिन उसके बावजूद भी इनको जो पूर्ण बहुमत में आना चाहिए था वो आज भी 15 सालों कहीं ना कहीं असम गण परिषद की बैसाखी पे ये सरकार चलाएंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ एक चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। यहाँ पर हमारी बहन नीरा शास्त्री जी ने केंद्र सरकार की जो उपलब्धियां बताई, जितने भी योजनाओं का नाम बताया, एक तो सर वो अंग्रेजी में है, गांधी परिवार के नाम पर 650 योजनाएं अंग्रेजी में हो, सब राजीव गांधी इंदिरा गांधी में नहीं है ना, हमें कोई जल धन योजना है, लेकिन लेकिन ये विकास होना चाहिए। आज भी 9.5 करोड़ लोग जिन्होंने जनधन का अकाउंट खुलवाया था वो इंतजार कर रहे हैं कि 15-15 लाख रुपए हमारे अकाउंट में कब आएंगे, उसका उल्लेख नहीं करते। अमित शाह जी आकर के जैसे राम मंदिर बनाने का जुमला था, 15-15 लाख भी और बीजेपी का विस्तार हो रहा है, कौन से वो फैक्टर हैं जो बीजेपी को रोक सकते हैं, इस पर मैं जानना चाहूंगा कि आप क्या, कौन से वो फैक्टर आपको दिखाई दे रहे हैं जो आपको लगता है 2019 में बीजेपी को रोक सकते हैं? देखिए, एक राष्ट्रीय पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी ही रोक सकती है, कोई क्षेत्रीय पार्टी, जो पहले आपका प्रश्न था, देखिए एक तो क्षेत्रीय पार्टियों की हैसियत जो है किसी राष्ट्रीय पार्टी को पूरी तरह रोकने की नहीं है। क्षेत्रीय पार्टी जैसे इस समय नीतीश कुमार का एक आह्वान है कि भाई जो भी भारतीय जनता गैर भाजपा विरोधी पार्टियां हैं वो एक साथ आए, तो लेकिन वो एक साथ आए हैं। अब उसमें ममता बनर्जी ने कहा हम आ तो सकते हैं लेकिन वामपंथी दल हमको नहीं चाहिए साथ में, तो ये जो अंतर विरोध है वो भारतीय जनता पार्टी के अश्वमेध के रथ को रोकने में बड़ी बाधा होगी। क्षेत्रीय दलों का एक तो एकता संभव नहीं है, अगर एकता थोड़ी बहुत हो भी जाती है कि चलो हम मान लो, तो ध्यान रखिए कि अब जैसे लालू प्रसाद यादव है या नीतीश कुमार है, वो पंजाब में जाके आम आदमी पार्टी को एक वोट नहीं दिलवा सकते हैं, या वो उड़ीसा में जा करके
आपको नवीन पटनायक को वोट नहीं दिलवा सकते हैं। नवीन पटनायक अगर आ जाए उत्तर प्रदेश में तो वो सपा या बसपा को वोट नहीं दिलवा सकते हैं। तो क्षेत्रीय दलों की हैसियत जो है अपने क्षेत्र तक सीमित है, वो हमेशा ध्यान रखें। तो इसलिए वो उसको अगर एक फैक्टर हम मानते हैं कि वो राष्ट्रीय दलों के को उनको रोक सकते हैं तो ये संभव नहीं है। दूसरी बात कि भारतीय जनता पार्टी ने जो 2014 में बहुमत प्राप्त किया वो ध्यान रखिए कि उसमें तमिलनाडु का, उसमें पश्चिम बंगाल का, उसमें उत्तर नहीं था। अमित शाह का जो बयान है उसको सर्टिफाई कर रहे हैं क्या? आपको लग रहा है कि जो बोल रहे हैं उसमें दम है या फिर सिर्फ अपने कैडर को खुश करने के लिए इस वो मैंने आप आरंभिक वक्तव्य में कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी की एक खासियत है कि अपनी छोटी से छोटी सफलता को एक बड़े उत्सव की तरह ऐसे मनाती है जिससे एक अपने कार्यकर्ताओं में आत्मविश्वास और वो पैदा हो, वो उसकी विशेषता है। दम 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 नहीं है ये मान रहे हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दम नहीं है जी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। उसका लाभ उनको मिलता है ये मैं नहीं कह रहा हूँ। उसका लाभ नरेंद्र मोदी ने उत्साह नरेंद्र मोदी ने उस बयान को सर्टिफाई कर रहे हैं आपके। हाँ, आपको तथ्य आपके पास ऐसे लग रहे हैं कि जो बोल रहे हैं उस बात में दम है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरा पंचायत में उनका भाई, मैं दूसरे पे बात कर रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का जो रथ है उसको रोकने की शक्ति इस समय की कांग्रेस में नहीं है। मेरा सवाल बड़ा स्पष्ट है कि आप उस बयान का समर्थन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? नहीं, इस ढंग से उसका उत्तर दिया ही नहीं जा सकता है। ना मैं उसका समर्थन कर रहा हूँ ना विरोध कर रहा हूँ। मैं केवल ये कह रहा हूँ कि उनके बयान में अतिशयोक्ति तो है, लेकिन अतिशयोक्ति के बावजूद भारतीय जनता पार्टी अगले 2019 तक की जो हम हालत में देख रहा हूं उसमें राष्ट्रीय चुनाव की दृष्टि से वो अपराजेय मुझे दिख रही है। पुष्पेन जी, आप सर्टिफाई कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि जो बात बोली जा रही है अभी की स्थिति में वो बात सही लग रही है आपको, या आपको लगता है बड़बोलापन है? देखिए, शुरू में अवधेश जी ने अमित शाह के बयान को कह साफ साफ बता दिया है कि वो पार्टी के अध्यक्ष हैं, अपने कैडर को गैल्वनाइज करने के लिए, उनमें उत्साह भरने के लिए, अब जो चुनाव है वो असली चुनाव है, वो ये कह सकते हैं। लेकिन आप जो क्षेत्रीय पार्टियों की बात आप कह रहे हैं, आप देखें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस को रोक देती है, पीडीपी बीजेपी को रोक देती है, शिवसेना महाराष्ट्र में बीजेपी को रोक देती है, वही एनसीपी कांग्रेस को रोक देती है। ये तो लोकल पार्टियां हैं। ये तो मान रहे हैं कि तो आप ये मान रहे हैं कि जो बात वो कह रहे हैं उसमें उतना तथ्य नहीं है, वो एलिमेंट नहीं है। मैं वही बात तो कह रहा हूं ना कि शिवसेना ने नरेंद्र मोदी की कैंपेन करने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी को बहुमत में नहीं पहुंचने दिया। सवाल यह है कि वही पीडीपी के साथ उनको सरकार बनानी पड़ी। वही मैं कह रहा हूं कि आप देखें कि टीएमसी ने दो राष्ट्रीय दलों को, कांग्रेस और लेफ्ट को, दोनों को रोक दिया ना। सवाल यह है कि क्षेत्रीय पार्टियां जो हैं, जिसके बारे में आप पहले अवधेश जी कह रहे थे कि देखिए उनका जो फोकस होता है वो अपने स्टेट तक होता है, और उस फोकस के अंदर अगर उनको जाति की राजनीति खेलनी होती है तो वो खुल के खेल सकते हैं। राष्ट्रीय पार्टियों के साथ संकट यह है कि उनको ऐसे मुद्दे लेने होते हैं जो कर्नाटक में भी रिलेवेंस हो, जो केरला में भी हो, जो कश्मीर में भी हो, जो यूपी में भी हो, जो मध्य प्रदेश में भी हो। लेकिन लोकल पार्टी की दिक्कत यह होती है कि अगर मायावती इस समीकरण के साथ खेलेगी कि मुझे दलित वोट लेना है तो वो खुल के दलित वोट कर सकती है, मुलायम सिंह को यादव वोट लेना है तो वो खुल के कर सकते हैं। जो ये बात कह रही है, बीजेपी जो दावा कर रही है, अमित शाह जो दावा कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं उस दावे को जरा अगर आप थोड़ा सही तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सामने जो बड़ा संकट मैं समझ रहा हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी को, जैसा कि मैंने पहले भी मेरा एक बार कहना है कि जहां जहां कांग्रेस पार्टी एक्सक्लूसिव राज कर रही है वहां भारतीय जनता पार्टी को आसानी इसलिए हो रही है कि कांग्रेस इस वक्त गिरावट पे है और उसके खिलाफ 65 साल में जो भी कुछ आप कहते हैं लोग यकीन करते हैं। लेकिन वही भारतीय जनता पार्टी जहां जहां राज्यों के अंदर कांग्रेस नहीं है, क्षेत्रीय पार्टी है, वहां वो नहीं जीत पा रही। आप देखें दिल्ली इतना बड़ा गढ़ था, एक कल पैदा हुई पार्टी ने साफ कर दिया दोनों पार्टियों को। तो आपके बयान का मैं ये मतलब निकाल लूं, आपने जो विश्लेषण किया है, मैं ये कह रहा हूं कि कोई कांग्रेस ये कह रहा हूं कि ये जहां तो जा सकता है, अब तो मुकाबला क्षेत्रीय पार्टियों से होगा। वही क्षेत्रीय पार्टियों में भी एक दूसरी चीज देखें, अगर आप उड़ीसा चले जाते हैं तो उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी नहीं है, वहां टक्कर कांग्रेस से है। तो अगर टक्कर कांग्रेस से है तो साथ में भाई नवीन पटनायक की पार्टी खड़ी है, तो भारतीय जनता पार्टी कोई बीच का रोल प्ले कर सकती है। लेकिन जिन क्षेत्रीय जिन राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियों का वर्चस्व है वहां भारतीय जनता पार्टी कहां जीती है, अभी सवाल सबसे बड़ा यह है, उनको कहां हरा रहा है। जो अगर उत्तर प्रदेश के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बीएसपी और समाजवादी पार्टी को हरा करके वहां आती है तो समझ में आता है कि क्षेत्रीय दलों से भी आप लोहा ले सकते हैं। लेकिन क्षेत्रीय दलों के साथ आपको गठबंधन करना पड़ रहा है, शिवसेना से भी किया, पीडीपी से
भी किया और आपको आगे भी करना पड़ेगा, छोटा आपकी गिनती पड़ेगी। तो छोटे से ब्रेक के लिए कहा जा रहा, मैं आपकी बात का ये विश्लेषण मतलब निकाल रहा हूँ कि भले ही कांग्रेस इस अश्वमेध घोड़े को ना रोक पाए, लेकिन क्षेत्रीय दल जो है आपको लग रहा है कि वो इस घोड़े को रोक सकते हैं, रोक रहे हैं, रोकेंगे। चलिए छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, बाकी मेहमानों से भी पूछेंगे, तुरंत लौट रहे हैं। घटना चक्र में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम इस बात का विश्लेषण कर रहे हैं कि जो कहा गया है बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की तरफ से कि पंचायत से लेकर के संसद तक बीजेपी दशकों तक अब जो है उसका वर्चस्व रहेगा, इसके पीछे कोई तथ्यात्मक कारण है या फिर ये सिर्फ अपनी पार्टी के कार्यकर्ता जो कैडर्स हैं उनको खुश करने के लिए, उनमें उत्साह भरने के लिए बात कही गई है, क्या कुछ आंकड़े कर रहे हैं उस पर भी हम विश्लेषण कर रहे हैं। शकील साहब, हम लगातार इस बात पे बात कर रहे हैं, कौन से वो फैक्टर हो सकते हैं जो बीजेपी को रोक सकते हैं। अभी पुष्पेन जी ने कहा कि कांग्रेस धीरे धीरे जो कम हो रही है, लेकिन क्षेत्रीय पार्टियां बड़ी चुनौती बन सकती हैं। अवधेश जी कह रहे हैं कि इन क्षेत्रीय पार्टियों का एक साथ आना बड़ा मुश्किल है, तो क्या आपको लग रहा है कि ये क्षेत्रीय पार्टियां एक साथ आकर के रोक सकती हैं, और वो कौन से फैक्टर हैं जो आपको लगता है कि बीजेपी को रोक सकते हैं? देखिए, मैं एक बात और कहा, एक बात और कहा कि क्षेत्रीय पार्टियां एक दूसरे को वोट नहीं दिला सकती हैं एक दूसरे के राज्य में। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जिस बयान पर हम डिबेट कर रहे हैं उस बयान पर ही हम सहमत नहीं है जी, कि वो 1919 तक वो कह रहे हैं कि हम पंचायत से पार्लियामेंट तक रहेंगे, ये इम्पॉसिबल है। आज मैं कह रहा हूँ पंचायत से पार्लियामेंट तक भारतीय जनता पार्टी को हर जगह पहुँचना इम्पॉसिबल है। कई राज्यों में वो पहुँच नहीं पा रहे हैं, अभी भी तमिलनाडु में जीरो हुए हैं, वो पंचायत तक कहाँ पहुँचेंगे। आसाम में बैसाखी पर जीत के, बंगाल में इतनी हवा चलाई थी उन्होंने, कितनी सीटें मिली। इसलिए पंचायत से पार्लियामेंट तक का बयान देना वो या तो अपने वर्कर को ठीक करने के लिए हो सकता है, या तो कोई उनके अंदर बहुत बड़ा विस्फोट है इस पार्टी के अंदर जिसके लिए ये बयान दिया गया है, ये भी हो सकता है। इसलिए हम समझते हैं कि इस बयान का कोई बहुत महत्व नहीं। अगर मैं आपसे पूछूं दो तीन बड़े कारण जो आपको लग रहे हैं कि इसकी वजह से बीजेपी जो है आने वाले जो चुनाव है 2017 और 2019 में रिपीट नहीं हो सकती है, जो तीन बड़े कारण अगर मैं आपसे पूछूं तो वो क्या होंगे? नहीं, सबसे पहली बात तो ये है कि बीजेपी ने जो वादे किए थे जी, उन वादों पे पूरी खड़ी नहीं उतर रही है। बार बार वही बात है, अभी हमारे आनंद बता रहे थे, आनंद जी भी, कि क्या वो अकाउंट खुल गया है, अकाउंट के पैसे के इंतजार में लोग बैठे हैं। ठीक, आपने जो करप्शन पर आप कार्रवाई किस तरह से कर पा रहे हैं, क्लियर कट नहीं हो पा रहा है जिसे क्लियर पता लगे कि आपको कार्रवाई कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जो महंगाई है उस पर आपको कंट्रोल नहीं है, सबसे इलेक्शन आपको लग रहा है कि जो प्रॉमिसेस हैं उसे फुलफिल नहीं कर पाएंगे 100%। इसकी वजह से आप समझिए कि अगर पेट्रोलियम का प्रोडक्ट का रेट इतना डाउन नहीं होता जिससे रेवेन्यू केंद्र सरकार को भारी पैमाने पर मिल रहा है, इनको सरकार चलाना मुश्किल हो जाता है। ठीक, आनंद साहब आप बोलना चाह रहे थे, और उससे साथ साथ मेरा सवाल ये है कि आप तमाम जब इससे पहले जब आप बोल रहे थे तमाम आपने कारण बताया, लेकिन एक तथ्य तो आपको स्वीकारना होगा कि कांग्रेस सिकुड़ती जा रही है और बीजेपी का विस्तार लगातार हो रहा है। जहां उनकी पहुंच बिल्कुल नहीं थी वहां भी भले ही उन्हें सीट नहीं मिल रही हो, लेकिन मत प्रतिशत जो है उनका बढ़ रहा है। तो ये आपको लगता है कि तब जाकर के अगर हम खाली आंकड़ों पर नजर डालें तो ये बात कोई बहुत ज्यादा गलत भी नहीं लगती है जो बात अमित शाह कह रहे हैं जी। पहले मैं अमित शाह जी का जो टिप्पणी है उस पर अपनी प्रतिक्रिया देना चाहूंगा, फिर आपके प्रश्न का जवाब दूंगा मैं जी। अमित शाह जी ने पंचायत से पार्लियामेंट तक की जो बात कही, निसंदेह उनका ये बयान अपने कैडर में जोश भरने के लिए हो सकता है, लेकिन सच्चाई इसके पीछे अगर आप देखें, 19 तारीख को 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आए, लेकिन उससे 2 दिन पहले 17 तारीख को दिल्ली नगर निगम के चुनाव आए। अब दिल्ली में पंचायत तो है नहीं, तो वहां तो नगर निगम को ही हम नगर निकाय और पंचायत की श्रेणी में रख सकते हैं, और 13 में से
तीन में सिमट गई भारतीय जनता पार्टी, और वो पूरे देश ने देखा। लेकिन अब ठीक है, क्योंकि बयान बहादुर हैं तो एक बयान तो देना ही था एक सनसनी पैदा करने के लिए, तो उन्होंने दो दिन पहले ही उनको पंचायत स्तर के चुनाव में करारी हार मिली। इससे तीन महीने पहले जब गुजरात में पंचायत चुनाव निकाय चुनाव हुए थे तो उसमें भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त झेलनी पड़ी। तो पता नहीं अमित शाह जी ने उन तथ्यों को ध्यान में रखा या वो उनके ध्यान में थे या नहीं थे, पता नहीं किस आधार पर उन्होंने पंचायत से पार्लियामेंट का ये बयान दे दिया। तो मुझे लगता है कि अति महत्वाकांक्षी बयान था। और अगर ये पांच राज्यों के चुनाव पे भी अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी इन पांच राज्यों में मात्र 87 विधानसभाओं पे जीती है, जबकि कांग्रेस 134 सीटों पर चुनाव लेकिन जीती इसका, है। इसका इसका एक और तथ्य, इसका तथ्य यह है सर कि इससे पहले जो है, इससे पहले चुनाव में उनके पास महज 5 सीटें थी, उनके पास महज 5 से 87 पहुंच गए। विपुल जी, चूंकि आपने सिकुड़ने की बात कही ना, तो मैं उसी का जवाब दे रहा हूं। अगर एक राज्य भारतीय जनता पार्टी ने जीता तो एक राज्य कांग्रेस ने भी जीता, और एक राज्य में हम मुख्य विपक्षी, दो राज्यों में हम मुख्य विपक्षी दल हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी अन्य राज्यों में असम को छोड़ दें तो कहीं गिनती में भी नहीं है, कहीं पर एक विधानसभा है तो कहीं दो तीन राज्यों में शून्य तक है ये। तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शुरू से ही बयान बहादुर रहे, उन्होंने 15-15 लाख रुपए लोगों के अकाउंट में आएंगे, काला धन राव साहब, राव साहब, राव साहब, राव साहब, चले जुमला कह दिया। एक 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 सवाल, एक छोटा सवाल है, मेरा सवाल ये है कि आप तमाम बातें कह रहे हैं, ठीक है, आप 2014 में लोकसभा हारे, उसके बाद जो चुनाव हुए हैं बिहार में, एक जगह आप मिलजुल करके तीसरे चौथे नंबर पे रहते हुए भी आप सरकार में है, इसके अलावा दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो, जहां जहां आपकी सरकारें थी, हरियाणा हो, असम था, के झारखंड में भी आप मिलजुल के सरकार में हिस्सा आपका आपका था, केरल आप हार गए, तो ये तो बात आपको, इस बात को तो स्वीकार करना ही होगा कि एक भी चुनाव में आपको जीत हासिल नहीं हुई, और वाकई में सिकुड़ रहे हैं आप, और जहां जहां आप थे वहां बीजेपी ने अपनी सरकार बना ली, जिसमें एक राज्य हरियाणा जहां पर जो है उनका कोई इससे पहले कोई इतिहास नहीं था, और जिस तरीके से सरकार बनी, असम आ गया उनके पास जहां पे उनका कोई दबदबा नहीं था, तो ये बात तो स्वीकार करनी पड़ेगी। विपुल जी, चूंकि मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ और राजनीतिक कार्यकर्ता हार और जीत दोनों पे ही जो है संयमित प्रतिक्रिया देता है, और मैं भी हार को स्वीकार करता हूँ, लेकिन हार के कारणों पर भी अगर आप जाएं, महाराष्ट्र हम इसलिए हारे क्योंकि 20 साल लगातार हम लोग सत्ता में थे। 1995 में अंतिम बार शिवसेना की सरकार थी, 1995 से लेकर के 2015 तक कांग्रेस की सरकार थी, 20 साल का हमारे खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी था। अब ठीक है, भारतीय जनता पार्टी जीती, उनको वो जीत मुबारक, लेकिन मुख्य कारण एक ये भी था, ऐसे ही हरियाणा में भी था, हम 10 साल तो अगर गुजरात में बीजेपी हारती तब भी इतने 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 आसानी से आप स्वीकार करेंगे, लेकिन इतने हार के बावजूद भी इनका लिटमस टेस्ट, भारतीय जनता पार्टी का जो लिटमस टेस्ट है वो 2017 में होगा, यूपी में होगा, क्योंकि जिस राज्य में 2014 के लोकसभा चुनाव में ये 73 सीटें जीते हैं 80 में से, तो जब आप समझ सकते हैं कि 73 लोकसभा की बात कर रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की गिरावट ने बहुत बढ़िया प्रश्न बोला है, बिल्कुल जिस तथ्य पे मैं आना चाहता था, मैं चाह रहा था कि कोई हमारा साथी प्रश्न करे तो मैं उसका जवाब दूं। अवधेश जी ने प्रश्न किया है कि 2017, क्योंकि मैंने 2017 पे बात कही है, तो अवधेश जी ने बात कही है कि केवल भाजपा पे बात करेंगे या कांग्रेस पे भी। 2017 में लगभग 6 राज्यों में चुनाव होने हैं, जिसमें गुजरात, हिमाचल, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब, मणिपुर और हमारा उत्तर प्रदेश और पंजाब, ये 6 राज्यों में चुनाव होने हैं। इनमें से मैं आज डंके की चोट पर बोल रहा हूं कि इन 6 में से 4 में कांग्रेस वापसी करेगी, जिसमें से उत्तराखंड, हिमाचल, गुजरात, जो जिसपे कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का और जो गढ़ है इसपे हम वापसी करेंगे, और उत्तर प्रदेश में भी हम लोग बेहतर पोजिशन में होंगे और भारतीय जनता पार्टी से बेहतर होंगे। चलिए नीरा जी से पूछते हैं, नीरा जी से पूछते हैं, नीरा जी पार्टी को तब पता चलेगा कि आनंद राव साहब कह रहे हैं जो बयान दिया है पंचायत से पार्लियामेंट 2017 में उसका। नीरा जी एक सेकंड, आनंद जी, नीरा जी, आनंद राव साहब कह रहे हैं वो अमित शाह की तरह ही है, जैसे अमित शाह कह रहे हैं कि हम पंचायत से लेकर सब जगह हो जाएंगे, वैसे ही आनंद राव जी भी कह रहे हैं कि हम 4 राज्य जीत जाएंगे। स्वयं की परिस्थितियां, राज्य की परिस्थितियां, पार्टियों की स्थितियां इसका सत्यापन नहीं करती है, ये कह रहे हैं जैसे अमित शाह की स्थिति नहीं करती है। अवधेश जी, हम गुजरात के पंचायत निकाय चुनाव कैसे जीते? हम देखिए दिल्ली की बात में वोट चुनाव में भाजपा जीती है, आपका वोट चुनाव में हुआ है, नीरज जी का जवाब देते हैं, नीरज जी से पहले जवाब देते हैं, राव साहब की बीजेपी जीती है, राव साहब की बात जवाब देते हैं, मैं आ रहा हूं। आरएन जी, मेरा सवाल आपसे, दिल्ली के अंदर हमारे 34% वोट प्रतिशत है और 29% आप है और आप 25 पर हैं,
आपको मालूम होना चाहिए पहली बात। लेकिन और दूसरी, कह रहे हैं कि जो 6 में से 4 राज्य हैं वहां पर आपका अश्वमेध का घोड़ा 2017 में रुक जाएगा। जी बिल्कुल नहीं रुकेगा, मैं उसका कारण बता देती हूँ। मुख्य कारण आप अश्वमेध का घोड़ा है कहाँ? एक मिनट, अब मैं बता रही हूँ आजकल जो है भाजपा घोड़ा क्या उसी राज्य में जाती है जहाँ भाजपा जीत सकती है। देखिए 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 सोशल मीडिया पे अगर आप जाते हैं और पोल करते हैं आप देखेंगे 85% लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी का काम पसंद करते हैं, दे आर हैप्पी विद द गवर्नमेंट। हिंदुस्तान आज भी गांव में बसता है और वहां पर आज भी इसका जनता बाकी नहीं, नहीं, है आज, तो नरेंद्र मोदी जी स्मार्ट सिटी की कल्पना लाए, डिजिटल इंडिया की लाए, तो जाहिर सी बात है वो इंटरनेट के ही मतदाताओं के बातों पे भरोसा करके देश चला रहे होंगे। लेकिन आज जो गरीब महिलाओं को एलपीजी देने की बात हो रही है, उनके विकास करने की जरूरत है। जो गरीब महिलाओं को एलपीजी देने की बात हो रही है, लोगों को उज्ज्वला योजना में पहुंचेगी। विपुल जी देखिए आप इस बात को नहीं भूल सकते, उज्ज्वला योजना 2012 में कोई नरेंद्र मोदी योजना नहीं है। कांग्रेस का कॉन्सेप्ट था कि पहले 6 हम लोगों ने, राजीव गांधी योजना दिए, फिर नोकिए, फिर 12 किए, और हम लोगों ने लोगों से विनती की थी कि आप अपनी सब्सिडी छोड़िए। और कोई भ्रष्टाचार की बात नहीं है, सब्सिडी छोड़ी है जिसका, ठीक है अगर हमारे पास ये कार्यकाल मिला होता तो हम लोग जो है महिलाओं के उनका जवाब सुनिए। देखिए जी हमारी सरकार पे किसी प्रकार का भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, पहली बात ये है। और इस तरीके की नीति बनाई जा रही है जो पहले 60 साल में कभी नहीं हुई कि आपके ब्यूरोक्रेट्स टाइम पर आए और 10 दिन के अंदर अगर आपके पास कोई फाइल आई है उसका जवाब देना लाजमी है। ऐसा कभी हुआ ही नहीं, काम हो रहा है, ऐसा 60 साल से कभी नहीं हुआ। ये सब काम खाली नहीं जाएगा, कोई डेवलपमेंटल रूल। कि एक बात तो आपको माननी पड़ेगी, पिछले 2 सालों में जो भी आपकी सरकार रही है, जो एंटी इनकमबेंसी शुरू हो गई, जो लोकसभा में मत प्रतिशत था, ये तमाम राज्यों में जो नतीजे आ रहे हैं, कुछ आपके पक्ष में गए नहीं गए, लेकिन मत प्रतिशत लगातार कम हो रहा है। तमिलनाडु में देखें, पश्चिम बंगाल में देखें, जो मत प्रतिशत मिला आपको वो विधानसभा चुनाव में घट रहा है। तो अगर ये इसी तरीके से इसका रेशियो रहा तो तमाम काम विधानसभा में एक अलग रिजल्ट रहता है, लोकसभा का रिजल्ट अलग रहता है। सभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने इस बात की पुष्टि करी है कि जो लोकसभा का चयन किया जाता है आज जनता के अंदर, देश की जनता के अंदर जागृति है और वो डेवलपमेंट के लिए वोट करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये दोनों अलग अलग बातें, इनको इस तरीके से कोरिलेट नहीं किया जा सकता। ऐसा भारी वोट परसेंटेज कहीं कम नहीं हुआ है, जहां नहीं खाता था वहां खाता खुला है, और जहां सरकार नहीं थी गढ़ था वहां सरकार बनी है। और अगर भारत का नक्शा आप देखेंगे तो पूरा भारतीय जनता पार्टी में लगेगा। एक एक सवाल मेरा हरकेश जी से। हरकेश जी, आप बहुत लंबा आपका राजनीतिक अनुभव रहा है, बहुत सारे आपने अनुभव में जो है अश्वमेध के घोड़े देखे, इंदिरा गांधी से लेकर के तमाम चीजें आपने देखी। अब ये जो जिस अश्वमेध के घोड़े की बात हो रही है, कौन कौन से आपको फैक्टर ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो इस अश्वमेध के घोड़े को रोक सकते हैं, और कब तक ये घोड़ा दौड़ेगा? 2018, 2019 या उसके बाद या उससे पहले, कहां रुकता हुआ दिखाई दे रहा है और किन कारणों की वजह से? देखिए, चर्चा बहुत हुई, सारे लोगों की बात भी मैंने सुनी, एक आध पॉइंट मैं कहूंगा भी। जैसे अमित शाह जी की ही बात आपने कहा था कि वो पंचायत से पार्लियामेंट तक अपने वर्चस्व की बात की, ये सब देखिए ये सब ख्वाहिश हो सकती है, वास्तविकताएं ऐसी ही नहीं हुआ करती। मैंने आपसे पहले ही कहा कि डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है, जनता सरकारों के काम का हमेशा मूल्यांकन करती रहती है और किसी भी पार्टी का की नीतियां कुछ भी हों, नीतियां तो कई पार्टियों की बहुत अच्छी अच्छी रही हैं, मुख्य रूप से जो नेतृत्व होता है ना जी, उसकी जो इमेज होती है वही जनता के अंदर मुख्य रूप से उसके विश्वास को उस पार्टी के प्रति और उसकी नीतियों के प्रति एक उसमें एक अस्थायित्व प्रदान करती है। आप ये कह रहे हैं जनता अच्छा, रुकेगी? नहीं, जनता उस मूल्यांकन कर रही है और आज की तारीख में मैं नहीं कह सकता 2019 तक जाते जाते क्या होगा, लेकिन लोकसभा और विधानसभा के चुनावों में फर्क तो होता ही है। एंटी इनकम्बेंसी की भी बात हुई, जहां सरकारें ज्यादा देर तक रही वहां पर किस पुरानी सरकारों को लोगों ने हटाया, नई सरकार बनाया। दिल्ली का ही जो आप देख रहे हैं, एमसीडी पर ये बीजेपी का कब्जा था, बहुत वर्षों से चला आ रहा था, उसकी भी एंटी इनकम्बेंसी थी, इसलिए बीजेपी को भी उसका नुकसान थोड़ा हुआ। लेकिन ये एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर हर एक पर लागू होता है, लेकिन इसके साथ ही ये जो
लोकसभा के चुनाव की मैं खासतौर से बात कर रहा हूँ, समय बिल्कुल बहुत कम बचा। लोकसभा के चुनाव में आप ये देखिएगा कि अभी तो सरकार चल रही है, इसके काम, इसके जो वादे थे, अभी वादों के बारे में आप फाइनल नहीं कर सकते कि वादे सरकार ने नहीं पूरा किया, क्योंकि सरकार के पास भी अभी 3 साल का टाइम है, इसलिए उस पर भी हम लोगों को ध्यान देने की जरूरत रहेगी। लेकिन ये कुल मिलाकर के अगर इनका परफॉर्मेंस ठीक नहीं होगा, और खासतौर से अगर महंगाई और बेरोजगारी पर नियंत्रण नहीं स्थापित कर पाएंगे, निश्चित रूप से उसका असर पड़ेगा। वही शकील साहब, समय बहुत कम बचा है, आखिरी 30-30 सेकंड की टिप्पणी मैं सबसे लेना चाहूंगा। आपको क्या लगता है, वो क्या सिर्फ काम की वजह से जो वादे किए गए हैं अगर वो पूरे नहीं होते तो वो वजह बनेगी, या कुछ और वजह भी है? बहुत संक्षेप में देखिए, सबसे पहली वजह यह है कि जो सरकार जिस वादों पर बनी है वो वादे तो पूरे होने चाहिए, और वो वादे ऐसे किए गए हैं जो प्रैक्टिकल नहीं है, वो पूरे भी नहीं होंगे, इसलिए इस सरकार के लिए बहुत मुश्किल है। काम को लेकर के आप बोल रहे हैं, या फिर कुछ कई सारे इमोशनल मुद्दे भी होते हैं, मंदिर का मुद्दा है, तमाम ऐसे मुद्दे, वो सारी बातें जो भी है तो व्यापक बहस की बात हो जाएगी, नहीं हो जाएगा। ठीक, ये बात ये है कि जो वादे क्या क्या है। ठीक, अजय जी आपको क्या लग रहा है? देखिए, मेरे ध्यान में दूसरी बात आ रही है, असल में जो सोच उभर रही है विरोधियों की, ये उभर रही है, मैं चाहूंगा निर्णायक जो है निष्कर्ष आप निकाल के दें, समय बहुत दे रहा हूं कि भारतीय जैसे भारतीय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, उस समय 1999 में सोनिया गांधी के नेतृत्व में सबसे कम सीटें आई थी, लेकिन 2004 आते आते विपक्षी दलों का ऐसा गठबंधन बना और वहीं से एक यूपीए निकला और वाजपेयी की सरकार हार गई। लेकिन उस समय यह था कि सीपीएम एक मजबूत ताकत थी, सीपीएम एंटी बीजेपी कोलिशन को लीड करती थी हर जगह, सीपीएम के कारण विपक्षी पार्टियां कांग्रेस के साथ जुड़ी थी। आज सीपीएम मटिया मेट हो गई है, वो अपने को खड़ा करने की स्थिति में नहीं है। दूसरा, उस समय सोनिया गांधी का एक छवि उभरते हुए नेता की थी जो आज नहीं है। तो ये दो बड़े फैक्टर ऐसे हैं राष्ट्रीय स्तर पर जो कांग्रेस के या बीजेपी के विरुद्ध राष्ट्रीय स्तर पर उसके अश्वमेध के घोड़े को रोकने की बड़ी बाधा है। और मेरा अपना मानना है कि 2019 तक 2004 की स्थितियां पैदा होने की संभावना नहीं है। नहीं है, पुष्पेंद्र जी सहमत हैं, आप सर्टिफाई कर रहे हैं, उनकी बात से सहमत हैं आप जो अवधेश जी ने कहा? देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को भारतीय जनता पार्टी रोकेगी, ये ध्यान रखिएगा। और इसके लिए कांग्रेस की तरफ से मेरा सिर्फ इतना ही कहना है जी कि भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है जी, क्योंकि सोनिया गांधी और राहुल गांधी जरूरी है। अगर ये दो लोग हट जाएं सीन से तो मैं नहीं समझता कि बीजेपी के किसी राष्ट्रीय नेता के पास लालू के खिलाफ, मुलायम के खिलाफ, मायावती के पास बोलने से कोई वोट मिलने वाला है। जब तक राहुल गांधी और सोनिया गांधी का कांग्रेस पे कब्जा रहेगा और ये स्थिति जो आज की कांग्रेस की है, इसे भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि ये बरकरार रहे, क्योंकि उन्हीं को कह करके उनको वोट मिलते हैं। अगर यही सीन से हट जाएंगे तो फिर ये वोट किसके खिलाफ? आप ये कह रहे हैं कि अगर राहुल सोनिया रहते हैं तो बीजेपी का अश्वमेध का ये जो चल रहा है, राहुल सोनिया के इर्द गिर्द जो पूरी कांग्रेस चल रही है, जिस तरीके से वो हमला करते हैं, इसी पे उन्हें वोट मिल रहा है। इसके अलावा बताएं, अगर आप कहते हैं काम की बात, तो शीला दीक्षित ने दिल्ली में बहुत काम किया था, बिल्कुल, तो उसकी वजह से तो सरकार कभी नहीं जाती। राव साहब, आखिरी टिप्पणी आपकी, तब भी नहीं जाती। क्या वो फैक्टर होंगे जो पुष्पेंद्र जी कह रहे हैं कि अगर राहुल गांधी सोनिया गांधी जो है शीर्ष पर बने रहते हैं तो बीजेपी के अश्वमेध के घोड़े को रोकना मुश्किल होगा? आपकी आखिरी टिप्पणी, निर्णायक टिप्पणी। जी विपुल जी, पहले मैं अमित शाह जी की जो टिप्पणी थी उस पर अंतिम प्रतिक्रिया देना चाहूंगा, फिर मैं इनके पे। अमित शाह जी के जो ये बयान है, ये हम लोगों का मानना है कि भाजपा सामंतवादी सोच की पार्टी है और उनका ये बयान भी बहुत सामंती है, और अश्वमेघ का घोड़ा राजा रजवाड़ों के जमाने में हुआ करता था, लेकिन ठीक है, भारतीय जनता पार्टी उस विचारधारा की है तो उन्होंने ये बयान दिया है। लेकिन यहाँ पर तमाम लोग उनकी ये स्मार्ट सिटी, डिजिटल, ये सब जो है फलाने लोगों के लिए योजना है, गरीब लोगों के लिए तो मनरेगा कांग्रेस की योजना लाई थी, या राइट टू एजुकेशन। लेकिन जो पुष्पेंद्र जी ने जो टिप्पणी की है, मैं उस पर भी जवाब देना चाहूंगा। देखिए, जो जो अवधेश जी ने जो बात कही, ठीक 2004 में, या पुष्पेंद्र जी ने भी कहा कि भाजपा भाजपा को ही हराएगी, इनका ये निर्णायक या सलाहकार मंडल जो है ये हराएगा, इन्होंने ही जब दिल्ली और बिहार हारे थे तो इनका सलाहकार मंडल सक्रिय हो गया था, लेकिन समय में तो संजीवनी मिल गई। बिहार में अपने कारणों से हारी है बीजेपी। मैं वो कह रहा हूँ कि अब इस वक्त
जो तीन साल बाकी हैं, जब काम करेंगी और जब काम नीचे तक जाएगा, जो कभी चमत्कार नहीं हुआ वो चमत्कार तीन साल तो काम के भरोसे आप कर रहे हैं बीजेपी की सरकार आएगी, बहुत लोग कह रहे हैं काम की वजह से ही बीजेपी की सरकार रुकेगी, पूरी विश्व की शक्तियां नरेंद्र मोदी जी को जिताएंगी, कोई ताकत नहीं है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। घटना चक्र में इतना ही, आप देखते रहिए जैन टीवी। फिलहाल के लिए नमस्कार।